हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम कस्टमाइज ट्री बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले अपनी इमेज ले लेते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फ्रेम बनाना सीखा था, फ्रेम को कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आप बहुत सारे फ्रेम्स बना सकते हो उसी को एडिट करते हुए। तो आज की इस वीडियो में हम ट्रीज बनाएंगे। सबसे पहले अनलॉक करेंगे, फिर न्यू लेयर लेंगे और फिर हम जाएंगे फिल्टर में, रेंडर में, और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है ट्री का। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस ऑप्शन को सीखने के बाद आपको ट्रीज की इमेज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहीं पे कस्टमाइज करके बहुत सारे ट्रीज बना सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रीज के प्री सेट भी मिलेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पे प्री सेट में, जो इस समय कस्टमाइज है। सेम ऑप्शन है जो हमने पहले सीखे थे, जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हो गया, फिर लोड प्री सेट, सेव प्री सेट और कस्टम। तो इसके बाद क्लिक कर दोगे, फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है यहाँ पे बेस ट्री टाइप। अब ये क्या है, जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी ट्रीज मिलेंगी, आप देख सकते हैं। ओके, अलग अलग ट्रीज है। जैसे कि इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये आप देखेंगे, ये कुछ अलग डिज़ाइन की ट्री है। फिर आप और भी ले सकते हो, ये क्रिसमस ट्री है शायद, तो ये कुछ उसी टाइप का क्रिसमस ट्री टाइप का है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रीज है। अब हम आते हैं इसकी सेटिंग्स पे। हम ले लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे ट्री का नंबर 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है लाइट डायरेक्शन। तो इस समय आप देखेंगे लाइट इस समय यहाँ पे आ रही है। ओके, इस साइड से आ रही है। अब आप इसको सेट कर सकते हो। जैसे मैं इसको डायरेक्शन दूँ, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पे 80, तो आप देखोगे इस समय लाइट अब फ्रंट पे आ गई है। और अगर इसको मैं 100 कर दूँ, 180 हो गया, समझ सकते हो। तो आप देखेंगे लाइट इस समय पीछे से पड़ रही है। तो जैसा आपका इमेज है यहाँ पे, जैसा भी आपका बैकग्राउंड है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे लाइट दे सकते हो। ऑनलाइन आपको ऐसी इमेजेस नहीं मिलेंगी। यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से कस्टमाइज करके एक बेस्ट ट्री बना सकते हो, अपना असाइनमेंट बनाने के लिए या फिर मैट पेंटिंग बनाने के लिए, या आप मैनिपुलेशन कर रहे हो तो इसमें बहुत काम में आता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है यहाँ पे लीव्स का, आपको अमाउंट कितना रखना है। इस समय आप देखेंगे जो लीव्स हैं वो थोड़ी कम लग रही है। ओके, अब आप अगर इसको बढ़ा दो तो आप देखेंगे यहाँ पे लीव्स भर जाएंगी, और इसको अगर हम कम कर दें तो आप देखेंगे लीव्स पूरी गायब हो गई एकदम। तो आपके सामने सिंपल ट्री आ गया जिससे एक भी लीव्स नहीं है। तो आप ये विंटर में यूज़ कर सकते हो, जैसे विंटर में होते हैं ना ट्रीज पे लीव्स नहीं होती है, तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको थोड़ी सी लीव्स दिखानी है, ऐसे आप अलग अलग ट्री बना के एक पूरा मैट पेंटिंग बना सकते हो बिना किसी परेशानी के। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है यहाँ पे लीव्स का, आपको साइज क्या रखना है। तो अगर आप इसको बढ़ाओगे तो आप देखेंगे लीव्स का साइज बड़ा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लीव्स भर गई है, और जैसे हम इसको कम करेंगे जो लीव्स है लेकिन स्मॉल हो गई है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है जो इसमें इसकी ब्रांचेस है उसकी आपको हाइट कितनी रखनी है। अगर हम इसको फुल कर दें तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ये जो मेन ब्रांच है वो बड़ी हो गई है। अगर हम इसी को कम कर दें तो आपके सामने कुछ ऐसा ट्री आएगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लीव्स है। ठीक है, अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो यहाँ पे आपको लीव्स के भी बहुत सारे टाइप मिलेंगे कि आपको कौन सी लीव लगानी है। यहाँ पे टोटल 16 है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये राउंड है, इसको अगर हम अप्लाई करें तो आप देखेंगे यहाँ पे राउंड राउंड लीव्स आ गई है। इसको आप चाहो तो और भी चेंज कर सकते हो, बहुत सारी लीव्स है, कोई भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गई अलग एक और लीव, बाय डिफॉल्ट कर दें अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है यहाँ पे, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है यहाँ पे रैंडमाइज स्पेसेस। अब ये क्या करेगा, अगर आप इसको चेक कर दोगे तो ये अपने आप कोई भी एक रैंडम स्पेस के हिसाब से आपकी ट्री को सेट कर देगा। अगर आप इसको अनचेक करोगे, और फिर आप इसको अरेंजमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएं तो आप देखेंगे जो ट्री है उसकी शेप चेंज हो रही है, अलग अलग शेप दिखाएगा ये ट्री की। ऐसा भी कह सकते हो आप, ये इसको 360 डिग्री रोटेट करता है। ओके, सेम ट्री है पर उसकी शेप्स दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन भी काम में आता है। फिर नेक्स्ट हम जाते हैं यहाँ पे एडवांस पे। अब यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आता है कैमरा टिल्ट। अब ये क्या करेगा, जो आपका ट्री है उसको अलग अलग एंगल से दिखाएगा। जैसे हम यहाँ पे करते हैं 12, 20 कर दिया, तो ये कैमरे की जो पोजीशन है उसको चेंज करता है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है यहाँ पे यूज कस्टमाइज कलर फॉर लीफ। जैसा कि हमने फ्रेम में किया था, फ्रेम में यहाँ पे आप लीफ्स को कलर दे सकते हो। अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो हमने यहाँ पे लाइट ग्रीन दे दिया, ओके कर दिया, तो आप देखेंगे चेंज हो गया। फिर सेम ऑप्शन आपके सामने नीचे में यूज कस्टमाइज कलर फॉर ब्रांचेस, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे ये जो इसकी ब्रांच है उसको आप कलर दे सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे डार्क ब्लैक ले ली, तो आप देखेंगे ब्लैक हो गई इसकी पूरी, ये जो पूरी ब्रांचेस ब्लैक हो गई। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है यहाँ पे फ्लैट शेडिंग लीफ। अब ये क्या करेगा, आपकी लीफ को फ्लैट कर देगा। इस समय आप देखेंगे यहाँ पे कलर कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है, अलग अलग कलर की लीफ्स हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे सारी लीफ्स को ये फ्लैट कर देगा, ऑलमोस्ट सब में एक ही कलर दिख रहा है जो है ग्रीन। ओके, कोई शेड नहीं रही है उसमें। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है एनहेंस कॉन्ट्रास्ट लीफ। अब ये क्या करेगा, लीफ का जो कॉन्ट्रास्ट है उसको एनहेंस करेगा। कॉन्ट्रास्ट के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। मैंने ऊपर वाला ऑप्शन ऑफ कर दिया क्योंकि इसको आपको सही से दिखाना है। तो आप देखेंगे इसका कॉन्ट्रास्ट इसने एनहेंस कर दिया, बढ़ा दिया है। इसी में हम अगर फ्लैट भी कर दें तो वो वाला इफेक्ट हट जाएगा, इसलिए। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने आता है फ्लैट शेडिंग। तो ये जो इसकी ब्रांचेस हैं इसको ये फ्लैट कर देगा, सेम ऑप्शन है।
तो नेक्स्ट ऑप्शन है लीफ रोटेशन लॉक। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये क्या करेगा, जैसा कि आप देखेंगे कहीं पे लीफ ज्यादा है और कहीं पे कम है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो जो लीफ का रोटेशन है, मतलब कम कहीं पे ज्यादा, जो रोटेशन चलता है उसको लॉक कर देगा, एक जैसा कर देता है। अगर आपको अपना ट्री पसंद आ गया, आपको लगता है ये वाला अच्छा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ओके कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको मिलता है रीसेट का। अगर आपको लगता है कहीं गलती हो गई, शुरू से शुरू करना है, तो आप रीसेट के ऊपर क्लिक कर लोगे। और अगर आपको लगता है कि सही नहीं बना है, तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। अब हम जाएंगे यहाँ पे ओके पे, तो ये आ गई आपके सामने ट्री। कंट्रोल टी करेंगे ट्रांसफॉर्म टूल के लिए, और यहाँ पे आप इसको स्केल करके कहीं पे भी लगा सकते हो। तो ऐसे ही आप बहुत सारी ट्रीज बना के पूरा एक एरिया कवर कर सकते हो। अब हमारी पिछली वीडियो में जिसमें हमने फ्रेम बनाना सीखा था, उसमें दो ऑप्शन रह गए थे, थिकनेस और एक और रह गया था। तो हम जाएंगे रेंडर में, और यहीं पे हम जाएंगे पिक्चर फ्रेम में। तो हमारे ये दो ऑप्शन रह गए थे एडवांस में, ये है नंबर ऑफ लाइन्स और नेक्स्ट है थिकनेस। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, दूसरा वाला फ्रेम यूज करेंगे, जो है ये, जिसमें यहाँ पे आपको देखते हैं यहाँ पे फ्रेम्स में लाइन्स है, ये वाले जो फ्रेम्स है। तो ये हमने दूसरा फ्रेम लिया, और आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ लाइन और थिकनेस दोनों ओपन हो गई। तो हम अगर इसके नंबर ऑफ लाइन्स कम कर दें, अब थिकनेस क्या करेगा, ये जो हमने लाइंस बनाई है उनकी थिकनेस को बढ़ा देगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ओके कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपको फोटोशॉप सीखना हो और आप पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।